अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी इनकी खैर खबर लेने चलते हैं। क्या बबलू कहाँ गया? बबलू 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 उधर बैठा हुआ है, आप वो देख रहे हैं बबलू को। यार आजकल दस्त लगे हुए, बबलू काफ़ी खामोश खामोश घूम रहा है। तो बकरियाँ भी आज गंदी हो गई, इनको भी नहलाने लगेंगे। खरगोश के बच्चे देख रहे हैं, ये वाला हाथ में तो ये कभी नहीं आएंगे। खैर लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, क्या हमारी वाली फीमेल नहीं है तो सब लाइट लगा। ये वाली फीमेल देखे, ये आवाज़ मेरे को बड़ी पसंद है, उसकी वजह आप भी समझेंगे कि हमारी मुर्गी यार क्लुक हो गई है। इसके नीचे में तो देख रहे अंडे, तो इसके नीचे मैंने गिनती के अंडे रखे थे, देख रहे तो गिनती के अंडे रखे थे। उसकी वजह ये थी, मैंने बोले अपना क्लुक पक्का कर ले, और मैंने केज भी खोल दिया था। मैंने बोला अगर इसको कुछ हो तो डायरेक्ट बाहर निकल जाए, कोई मसला ही नहीं है, इसका जो दिल करेगा वो करेगी। अंडे तो हमारे पास फिलहाल इसके नीचे मैंने कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वो पाँच इसके नीचे रखे हैं, 16 अंडे। बस 16 अंडे इसके लिए मेरे ख्याल से इनफ है, तो इससे ज़्यादा मैं इसके नीचे रखूँगा भी। तो इन सबको खोलना स्टार्ट करते हैं बारी बारी। आ जाओ भाई, टबकू टबकी कुकू कुकी, शाबाश 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 शाबाश। आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ भाई। देखें टर्की टर्सू बाहर आके बड़े खुश होते हैं। बकरियाँ बकरियों को घुमाने ले जाए, डक का अंडा चेक करते हैं। यार हमारे पास ये किसी भाई की नहीं है, दो फीमेल्स आई हैं मुर्गियाँ, ये आपको दिखा देता हूँ। देखें एक ये भी कैसे खूबसूरत कलर है इसका, और एक आपको एक और दिखाता हूँ, एक ये भी। ये मेरे को थोड़ी थोड़ी क्रोक लगी हुई है, बीमार लग रही है बाजा माज। ये देखें कुकून है भाई का, आते साथ ये देखें इन दोनों को भी बंद कर देते, क्योंकि दोनों आपस में कोई भी इसको बखशता नहीं है भाई, तो इनको भी बंद कर देते हैं। ये नई मुर्गियाँ जो है ना, ये कुछ ही दिन की मेहमान है, इंशाल्लाह चली जाएंगी, क्योंकि उस भाई का शौक था लेकिन उसके घर में केज नहीं था, लेकिन अब वो केज बनने वाला है। अरे लग जाना केज बनने, तो उसमें डक्स को भी आज़ाद करते हैं। मैं भी अबे भाई अंडा नहीं दिया डक्स ने हमारी, तुम इधर आओ। हाँ हाँ बस गया गया, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये नहीं है सबसे पिटता रहेगा, कभी कुछ ही दिनों में ऐसा ही हुआ है वापस से लुढ़क जाएगा। इससे अच्छा है कि यार इग्निफॉल आ जाओ, तुम आ जाओ, और कौन दे गया बाकी अपना एलिफेंट वाला मुर्गा खोलते हैं। तो यार अभी मुर्गी क्लोक हो गई, अभी और हमारे पास चीज़ें कम हो जाएंगी। आ जाओ तुम भी आ जाओ, कुकी ने तो अंडा नहीं दिया, कुकी ने अभी कोई अंडा नहीं दिया, तो अपने इनको बाहर खुद ही निकालना पड़ता है, ये लोग दें ना। आ जाओ एक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दो, तो माशाल्लाह इसने भी वजन पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी अंडे नहीं दे, अनफर्टाइल अंडे दे दे, लेकिन दे के खुश तो कर दे, ताकि हम इसके लिए जल्दी से जल्दी मेल अवेलेबल करें। देखें ये वाला रेबिट भी पता नहीं अपने लिए क्या करता है, रहता है यहीं पर ही होता है 24 घंटे। क्या इनमें पता नहीं मेल फीमेल कन्फर्म नहीं है, कोई ना कोई फीमेल निकल जाए वाइट में से, चारों में से बच्चे बड़ा खूबसूरत आएंगे उससे। एक बच्चा तो खूबसूरत आया लेकिन अब मेले की फीमेल ये भी हमें कन्फर्म नहीं है, तो अपने कबूतर के पास चलते हैं, उसने अंडा तो नहीं दिया। ये देखें ये वाला मुर्गा नहीं है, बस अभी उनको ताड़ता रहेगा पूरा दिन, इसका भी यही काम होगा, ये खाना नहीं खाएगा। और इन मुर्गियों का मैं खुला इसलिए नहीं छोड़ सकता ना, उसकी आपको मैं वजह बताऊँ, क्या उसकी एक वजह, ख़ास वजह है, ख़ास वजह है कि वो जो हमारी क्रुक मुर्गी है ना, उनका और इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती है पैसा वैसा। तो आज बबलू को लेना नहलाना भी है, लेलाना बोलो नहलाना भी है, तो अभी फ़िलहाल धूप बहुत है, आज बाहर तो नहला के बाहर ही बांध देंगे। तो अभी फ़िलहाल इनके लिए मैं लूसन लाया हूँ, वो लाता हूँ बाहर से, कबूतरों को चेक करते हैं, कबूतरों ने कोई नया बच्चा तो नहीं निकाला। तो देखें बाजरे के लिए तड़प रहे हैं, तो मैं इनके लिए अभी फ़िलहाल बाजरा लाया नहीं हूँ, बाजरा लाया हुआ हूँ इनके पास नहीं लाया। अब अभी आखिरी करेट है ना, इसकी वजह से पूरा पैर लाना पड़ता है। आए है बच्चे तो माशाल्लाह दिन ब दिन, तुम लोगों ने कोई दिया भाई? तो भाई मैं बच्चे की पूछ दोनों अंडे कड़क, तो ये बाहर वाले मुर्गो क्या ही अल्लाह है इसको। ये देखें ये इसी चक्कर में थी कि मैं अंदर जाऊंगी और थोड़ा बहुत जो चौका है ना वो इनका खा लूंगी, लेकिन चौका बंदर इतना सा भी नहीं।
सब उठ के आएंगे, लेकिन बबलू नहीं उठ के आ रहा ना, तो इन सब के उठने का मेरे साथ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बबलू नहीं है, इस पूरे फार्म की जान है। तो आज वो बेचारे ऐसा बैठा हुआ है ना निडाल, अरे जान में जान नहीं अकेले की। थोड़ा सा उसको घुमाता हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा हो गया है अचानक से, एक होते हैं ना कि कोई अलामत दी हो अचानक से ही, भाई बिल्कुल देख रहे ये सारे अपने मस्ती में। अरे भाई बबलू ये क्या कर दिया तुमने, तो बकरियों को भी लूसन डालते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बकरियों को लूसन डालते हैं, बकरियाँ भी टूट पड़ेंगी। और मैं आपको बकरियों की एक और वजह बताऊँ यार, हमारी जो दो छोटी बकरियाँ हैं ना इनको नहीं है, जैसे हम अपने बबलू को खुला रखते हैं ना कि बिल्कुल मतलब घूमता रहता है, तो ऐसे हम अपनी बकरियों को भी छोटी वाली को खुला रखते हैं, उसकी एक ही वजह यार ये लोग थोड़ा सा नहीं खुश होंगी, वजन मदन पकड़ेगी। इस बकरी को मैं जैसा लाया था ना इस वाली को, ये उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है देखने, तो बिल्कुल निडाल हो गई। तो इंशाल्लाह इसको मैं बहुत जल्द इन लोग की मैं रस्सियाँ काट के आज़ाद घूमेंगी, लेकिन ये कि बकरियाँ हर जगह चलती हैं, कहीं अब सब गिर ना जाए, कहीं से एक दूसरे को टकरे मकरे मार के। बबलू को भी ये लोग पहले माँ मारती थी, अब ये लोग भी मारने लग गई हैं, तो इस वजह का बड़ा अफसोस है। तो अभी थोड़ी देर में बबलू को भी इन्हें लाते, थोड़ा सा लूसन उठाते हैं, ये इन चूज़ों को डालते हैं, ये लोग भी देखें, ये लो भाई ये लोग खाने का ज़रा सा भी ढंग नहीं है देखें, आधे से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने फेंका होता है। तो मैं भी इन्हीं के साथ भी यही करूँगा, जो साफ साफ ऊपर का ये देखें, ये मैं इनको ऊपर वापस डाल दूंगा, ढंग वाले काम करें ना तो कोई मसला ही नहीं, लोग ढंग वाले काम नहीं कर रहे। तो खाने का फ़ायदा क्या, इससे अच्छा है कि एक मुट्ठी मैं इनको मुंह में ही दे दूं, थोड़ा बहुत गिरा हुआ समझ आता है, चलो जो नीचे वाली चूजे वगैरह जो भी आती है मुर्गियाँ खरगोश जो भी मतलब आते हैं वो खा ही लेंगे, लेकिन ये अब इतना ये लोग फेंक देते हैं ना कि ये लोग फिर अब ये खाएंगे नहीं है, मैं अपनी दिली खुशी के लिए डाल दिया, लेकिन ये लोग गंदा हो गया, अब ये खाएंगे नहीं, देखें वापस से फेंक रहे। तो यार मुर्गियाँ वगैरह को सबको बंद कर रहे हैं, नई वाली मुर्गियाँ थी इनको ही बंद कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मैं हाथ देख रहे हैं ये जगह लग गए, और बबलू को दवाई पिलाई है, बबलू देख रहे हैं अभी भी थोड़ा बहुत सुस्त है, ये देखें थोड़ा सा इंशाल्लाह का सेट हो जाएगा, दुआ करते हैं। ये देखें हमारा वाइट वाला रैबिट जो छोटा बच्चा है ना, अब वो भी बाहर निकल के खरगोश खाता है, वो भी लूसन खाने लग गया, लेकिन अल्लाह बस इसको सलामत रखे हुए, एक तो बेचारा एक्सपायर हो गया उसकी एक ही वजह थी मेरे ख्याल से, वो भी लूसन खाने आया होगा और पैर के नीचे आ गया होगा। तो हमारी छोटी बांझी है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, देखिए बकरी पेशाब कर रहे हैं उसके सामने आ रहे, हटो 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 जाओ दफा, इसके इनके सामने थोड़ा सा लूसन जाओ, वहाँ से ला के रखो, और उन चूज़ों को भी धूप में बाहर निकालो। तो इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, सब पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त मस्त किया कर, क्योंकि यार आपका भाई धूप हो छाँव हो हर जगह मेहनत करो, कहीं भी जाता हूँ एडिटिंग पूरी करके वीडियो में लाजमी डालता हूँ, तो आप भी अपना इनपुट आउटपुट दिया कर, मैं आपको हमेशा अपने इनपुट अपने हमेशा अपने बेस्ट से बेस्ट देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कम यूज़ बहुत आजकल बहुत ही कम यूज़ हो गए, तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी एक दिन मेरे को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होगा एक दिन। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ओका फिर। We'll go through the wastelands, through the highways.